अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं फ्रेंड्स। वैसे फ्रेंड्स, अब दोपहर के 1:30 बज रहे हैं फ्रेंड्स, और मैं यहाँ पर देखिए चिकन खोरमा बना रही हूँ। चिकन खोरमा और वाइट राइस बना रही हूँ फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पर जल्दी से बना लिया है और अब यहाँ पर थोड़े से बर्तन भी पड़े हैं फ्रेंड्स, जल्दी से क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पर देखिए कैट यहाँ पर बाहर बैठी है यहाँ पर। अंदर नहीं आना। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जो फ्रिज के स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं ना, वो मैंने ऑर्डर किया था। वो बॉक्सेस होते हैं ना, बहुत ही प्यारे बॉक्सेस हैं फ्रेंड्स। मैंने ऑर्डर करके 3 दिन हो गए थे, 3 नहीं 2 दिन हो गए थे फ्रेंड्स, तो आज आ गई हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको ओपन करते हैं। वैसे फ्रेंड्स, आपको तो पता है हमने नया रेफ्रिजरेटर ऑर्डर किया था, तो उसके लिए मैंने बॉक्सेस ऑर्डर नहीं किए थे फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा कि उसके लिए फ्रिज के लिए बॉक्सेस ऑर्डर क्यों ना कर लूँ, तो मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया था। माशाल्लाह देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे बॉक्सेस हैं, क्वालिटी भी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। तो चलिए इसको निकालते हैं। वैसे ये 6 बॉक्सेस है फ्रेंड्स, बहुत ही इसकी क्वालिटी बहुत ही प्यारी है फ्रेंड्स इसकी। वैसे ये फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है, मैंने इसको अमेज़ोन से ऑर्डर किया था। 6 बॉक्सेस को 499 रुपीज़ है, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी फ्रेंड्स। इसकी क्वालिटी सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है फ्रेंड्स। फ्रिज में आप लोग इसमें वेजिटेबल्स और जो हरी हरे सब्जियां होती है ना, वो सब कुछ इसमें रख कर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। जो धनिया पत्ते और हरी मिर्च, सब कुछ इसमें आराम से रख कर स्टोर कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको फिर से ओपन करके दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है, और अंदर से इस तरह से ये प्लेट आई है। अगर आपकी जो हरी जो सब्जियाँ होती हैं ना, उसमें पानी कुछ भी है, तो नीचे आकर यहाँ पर खड़ा हो जाएगा आराम से, कुछ भी ख़राब नहीं होगा फ्रेंड्स आपके फ्रिज में। सच में बहुत ही अच्छे बॉक्सेस है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप जाकर ऑर्डर कर सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी फ्रेंड्स। वैसे फ्रेंड्स, अब शाम के 7 बज रहे हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड यहाँ पर लेमन शिकंजी बना रहे हैं। वो इंस्टाग्राम में वीडियो में देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आज मैं लेमन शिकंजी ज़रूर ट्राई करूँगा। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पर ख़ुद बना रहे हैं फ्रेंड्स, हम दोनों एंजॉय करते हुए बना रहे हैं फ्रेंड्स। सच में यहाँ पर देखिए पुदीना और पानी डालकर इसको अच्छे से पीस रहे हैं, पीसकर इसका जो पानी होता है ना, वो छान लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है, 1.5 चम्मच ब्लैक सॉल्ट। और यहाँ पर ऐड कर रहे हैं जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। चाट मसाला 1 टीस्पून। काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। और हमने यहाँ पर एक कांच का ग्लास ले लिया है, और इस पाउडर को हम 1/2 टीस्पून यहाँ पर डाल लेंगे, और यहाँ पर लेमन को स्क्वीज़ कर लेंगे फ्रेंड्स देखिए, और थोड़ा सा सब्जा ऐड कर लेंगे यहाँ पर।
और जो पुदीना और पानी डालकर हमने पीसा था वो उसी का पानी ऐड कर रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और यहाँ पर 2 चम्मच शुगर भी ऐड करी हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पर 2-3 पुदीने के फ्रेश पुदीने के पत्ते ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और 1 हरी मिर्च को इस तरह से बीच में कट करके ऐड कर रहे हैं फ्रेंड्स। अब इसमें कोल्ड वाटर ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब मेरे हस्बैंड ने खुद बनाया है फ्रेंड्स। इसका टेस्ट सच में बहुत अच्छा आया था फ्रेंड्स। अब यहाँ पर बना रहे हैं लेमन शिकंजी। नींबू शिकंजी वही लेमन शिकंजी का तो क्या नींबू शिकंजी बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स। और आप सब भी जरूर ट्राई कीजिएगा।